चिका दिस साइड वेलकम टू हिडन ट्रेजर। आज की हमारी रेसिपी है अमृतसरी पिंडी छोले। ये बहुत ही एक ऑथेंटिक पंजाबी डिश है और मैंने कोशिश की है उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखने की। अमृतसरी छोले हम पूड़ी के साथ, कुलचों के साथ, भटूरों के साथ खाते हैं। अगर आपको भटूरों का वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, यू कैन चेक आउट देयर। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मैंने ये दो कटोरी छोले लिए थे जिनको मैंने प्रेशर कुक कर लिया था प्लेन सॉल्टेड वाटर में। आप देख सकते हो कितने टेंडरली बॉयल हुए हैं ये, और इनको आधे घंटे करीब प्रेशर कुक करना होता है आफ्टर 2 or 3 विसल। अगर आपने रात को छोले अपने सोक नहीं करे हैं तो सुबह बस आप उनको बेकिंग सोडा लगा के छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए, और फिर उनको साफ़ पानी से धो के प्रेशर कुक कीजिए, आपके छोले गल जाएंगे। एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लेंगे और उसको गरम कर लेंगे, और इसमें मैंने आधी चम्मच जीरा डाला है और 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, और इन दोनों को पहले अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, भून लेंगे। जीरा और धनिया जब भून जाए तो इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, खड़ा गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची जाएगी, 3 से 4 लौंग, और ये मैंने इसमें आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर डाला है। दालचीनी मैं पीस के रखती हूँ और मैं हर सब्ज़ी में उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करती हूँ, और आधी चम्मच ही ये छोटी इलायची का भी पाउडर है, और ये इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। फ्रेश जिंजर गार्लिक यूज़ कीजिएगा, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जो बाज़ार के पेस्ट होते हैं उनसे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाता है। तो ये फ्रेश जिंजर गार्लिक का 1 चम्मच पेस्ट है, और अब इनको मैं अच्छे से भून लूँगी जिंजर गार्लिक के पेस्ट को और जो खड़े मसाले भी डाले हैं उसी गर्म घी में। गैस थोड़ी स्लो ही रखिएगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपके मसाले सारे जल सकते हैं। और अब इस रेसिपी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। हमारे बॉयल छोले हैं ये मैंने एक अलग पॉट में ले लिए हैं और उसका पानी सारा अलग कर दिया है, ये ड्राई हैं। अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूँगी, आधी चम्मच लाल मिर्ची डाली है मैंने, आधा ही चम्मच अनारदाना पाउडर डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला या छोले मसाला, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आधा चम्मच आमचूर छोलों को खट्टा करने के लिए, आधा चम्मच ही कसूरी मेथी, आधा चम्मच काला नमक, और इन सबको अच्छे से छोलों में मिक्स कर देंगे, कोटिंग चढ़ा देंगे उसके ऊपर। और ये हमारा जो ड्राई मसाला था, अब इसमें थोड़े से 1 करछे छोले पहले मैं डाल के उनको उसके बीच में, उस मसाले के बीच में मैश कर दूंगी। इसके बाद जब हम छोले डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा एक अपनी ही कोटिंग छोलों के ऊपर चढ़ेगी और उसकी एक लाइट सी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होगी। और ये अच्छे से मडल हो गए हैं थोड़े से छोले बीच में, और अब हम इसमें बाकी के छोले ऐड कर देंगे और साथ में आधा ग्लास पानी डालेंगे, आधा ग्लास या उससे थोड़ा सा कम ही, और पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी का बचा हुआ पानी इसमें हम डालेंगे। पानी छोलों में थोड़ा खुला ही रखिएगा बनाते टाइम, थोड़ा ज़्यादा ही ग्रेवी मतलब ठीक रखिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्व करते टाइम छोले जनरली सारा पानी पी जाते हैं और फिर वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए जिस टाइम हम इनको अभी बना रहे होते हैं तब पानी थोड़ा ठीक ठीक ही रखना है। अब ये छोले मेरे गर्म हो गए थे, अब मैं इसमें बाकी का बचा हुआ पानी जो मेरा है छोलों का, वो इसमें मिक्स कर दूंगी, और आप देख रहे हो कि हल्की सी ग्रेवी उसमें है, और अभी जब तक ये आपके सामने ही बनते बनते ये ग्रेवी और थोड़ी कम हो जाएगी, और लास्ट में सर्विंग तक तो ये बहुत ही कम रह जाती है, इसलिए ग्रेवी अपने अकॉर्डिंगली ही रखिएगा। मैंने नमक डाला है क्योंकि नमक हमने अभी तक बिल्कुल भी नहीं डाला था, सॉल्ट बस उसको उबालते टाइम डाला था, और आधा नींबू छोलों को खट्टा करने के लिए, और ये डाल के हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोले हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। मुझे छोले बहुत कन्वीनियंट डिश लगती है क्योंकि इनको बनाना बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू जो बाकी पंजाबी डिशेस होती हैं। बाकी के पंजाबी डिशेस में आपको बहुत मसाले भूनो ये करो, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है,
बहुत क्विक बनते हैं, और ये ऊपर से थोड़ा सा सैलेड, प्याज, धनिया और टमाटर मैं हल्का सा पहले गार्निश के लिए डालूंगी। ये लहसुन और प्याज दोनों चीज़ें इसमें ऑप्शनल हैं। अगर आप नहीं खाते तो आप गार्लिक और अनियन कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो, बट फ्लेवर गार्लिक का बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके डालूंगी मैं ऊपर से, और पनीर मैंने कद्दूकस कर दिया है। इनको मैं अच्छे से अब सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी, और छोले हमारे रेडी हैं सर्व करने के लिए। इसके लिए मैंने एक लाल मिर्ची का तड़का बनाया है, देगी मिर्ची का, जो मैंने ऊपर से सर्विंग के लिए डाला है। वो आपके छोलों को एक बहुत अच्छा सा कलर देता है, और ये छोले सर्व हो गए हैं मेरे। ये तड़का बिल्कुल कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इससे आपके डिश की एक अलग ही कलर्स निकल के बाहर आते हैं, जो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। एंड छोले बहुत ही टेस्टी बने हैं गाइस, और मेरा भटूरा भी साथ में तैयार है। छोले बहुत टेस्टी बने हैं, खटाई भी बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में है। आप इसको नींबू डाल के थोड़ा और खट्टा कर सकते हो, और मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, उसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। सो इफ़ यू लाइक द रेसिपी, डू हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स, सी या, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।